अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो आपको ड्रेसेस देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आज क्या करने लगी हूँ। मैं आज आपके साथ इन दो ड्रेसेस की जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ। ईद स्पेशल वीडियो है, ज़रूर देखिएगा एंड तक। वन दोनों ड्रेसेस को डिटेल से देखते हैं, मैं आपको गाइड भी करूँगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से जो है वो दर्जन को दिखा के आप भी इस तरह के डिज़ाइन बनवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ड्रेस नंबर वन। सो तो जनाब ये है मेरा ड्रेस नंबर वन। लाइट कम लग रही है, मैंने जगह जो है वो चेंज कर लिया है, ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लाइट आ रही है। सो जी तो जनाब ये है मेरा ड्रेस नंबर वन। सबसे पहले हम देखते हैं, ये मैंने वीच ट्री से लिया था लास्ट ईयर की कलेक्शन से। मैंने इसको स्टिच जो है वो इस साल करवाया, बड़ा प्यारा कलर है और बड़ा ही खूबसूरत प्रिंट था इसका। सो सबसे पहले इसका गला देखें, मैंने इस तरह से लूप्स बनवाए हैं। ये छोटे वाले लूप्स हैं, साइड पे दो छोटे लूप्स हैं और एक बड़ा लूप है। आजकल एक और भी चल रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े वाले लूप्स, वो नहीं बनवाए, ये देखें ये स्मॉल साइज में। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके देखते हैं, मैंने इसके गले पे इस तरह से फिर यहाँ पे कुछ नहीं करवाया। वैसे मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ पे बटन्स ऐड कर लूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है और बटन ऐड हो जाए तो फिर जो है वो प्रेसिंग भी सही नहीं होती तो मुझे ज़्यादा बटन पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ ऐड नहीं कराए। सो अब हम चलते हैं इसके बाजू की तरफ। इस तरह से मैंने इसके जो है वो बाजू बनवाए हैं। ये जो है मैंने ऑर्गेंजा ली है, ठीक है। इसमें जो कलर्स है ना, ये कलर लेके मैंने इस कलर की ऑर्गेंजा ले लिया है और ये मैंने बाजार से जो है इस पर कटवर्क करा लिया। पहले जो है वो ग्रीन कलर का जो उसका ड्रेस का कलर है और यहाँ पे मैंने रेड कलर का कटवर्क करा लिया। बड़े आजकल चल रहे हैं इस तरह के और बड़े खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको इस दामन दिखाती हूँ। दामन पे भी मैंने सेम काम किया, ये देखें मैंने जो है वो नीचे ऑर्गेंजा लगवाई है और उस पर कटवर्क और यहाँ पे शर्ट पे भी कटवर्क। सो ये इस तरह से लग रहा है। इस तरह से आजकल जैसे शर्ट्स की जो है बहुत कम आ रही है लेंथ, तो इस तरह बनाने से जो है लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। सो मेरे भी ड्रेसेस की लेंथ बहुत कम थी, तो इस वजह से मैंने ये लगवाया और ड्रेसेस की लेंथ इंक्रीज की है। सो अब इसका ट्राउज़र देखते हैं, जो है वो आपने डिटेल से देख लिया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी इस तरह से दोनों का इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शर्ट में जो भी कलर है वो आप जो है वो उस तरह की ऑर्गेंजा यूज़ कर सकते हैं, शर्ट के मिडल में भी यूज़ कर सकते हैं लेंथ इंक्रीज करने के लिए। अब देखते हैं ट्राउज़र। ये है इसका ट्राउज़र, यहाँ पे मैंने जो है 3 ब्लीड्स डलवाई हैं और ये मैंने इसमें डिज़ाइनिंग कराई है, एक समोसा 2 लूप्स, एक समोसा 2 लूप्स। और एंड पे मुझे बड़ा खाली खाली सा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे लेस ऐड करा लिया। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी दर्जन या टेलर को दिखा सकते हैं। अब इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, ये प्रेस नहीं हुआ हुआ। अच्छा जी, ये इसका दुपट्टा है, बड़े प्यारे कलर्स हैं इसमें भी, ये देखें। इस पे मैंने लेस ऐड कराई है ड्रेस के साथ के कलर की, ग्रीन कलर की कराती तो बहुत ऑड हो जाना था, तो ये इसके साथ का दुपट्टा है। तो ये था हमारा ड्रेस नंबर वन। अब देखते हैं ड्रेस नंबर टू। ये हमारा ड्रेस नंबर टू मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बड़ा ही प्यारा प्रिंट है इसका और इस पे ये जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, एक ये फूल बने हुए हैं और दूसरे ये गोल्डन और शर्ट के गले पे भी एम्ब्रॉयडरी है। ये गला बहुत ज़्यादा डीप हो रहा था, इस वजह से मैंने जो है ना ये खुद से इस तरह से कराया। मुझे डीप गले ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसे भी अच्छा भी नहीं लगता इंसान बहुत ज़्यादा डीप गलों के साथ। सो गले पे मैंने कुछ नहीं कराया क्योंकि ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी थी। और ये हैं हमारे स्लीव्स, बड़े ही खूबसूरत से प्यारे से, ये मैंने इस तरह से इसको बनवाया है और यहाँ पे लूप्स के साथ बटन ऐड कराए हैं। ये सिल्क का कपड़ा है, ये आराम से बाजार से आप कहें तो वो मिल जाते हैं बटन। सो इस तरह से मैंने इस पे ये यहाँ पे ऊपर लेस ऐड करा दी है थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करने के लिए और यहाँ पे मैंने एजेस पे भी लेस लगवाई है। सो ये हमारे बाजू का डिज़ाइन है, आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इस दफ़ा मैंने शर्ट्स थोड़ी ज़्यादा खुली रखवाई हैं और जो है वो लंबी भी ज़्यादा रखवाई हैं। तो लंबी करने के लिए मैंने जो है वो फ्रंट पे दामन पे एम्ब्रॉयडरी कराई है, ये सेम इसी तरह से दूसरे बाजू पर भी। अब हम दामन की देख लेते हैं डिज़ाइनिंग। ये देखें, इस तरह से मैंने इसमें ब्लू कलर का ऑर्गेंजा ऐड कराया है और ये बड़े वाले लूप्स बनवाए हैं। ये सारे एक दफ़ा बन के फिर कट के लग जाते हैं। अच्छा, इस तरह की आजकल लेस भी चल रही है, वो मैंने बाज़ार चक्कर नहीं लगा तो मैंने देखी नहीं, बाद में देखी। आप वो लेस भी ऐड करा सकते हैं, दर्जन का काम थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ट्राउज़र के साथ की ओवरलैपिंग कराई है। सो ये थी शर्ट, मैं आपको इसकी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। सो ये शर्ट आपने देख ली है, मैंने इस तरह से भी रख दी है बाजू, और ये शर्ट। सो अब देखते हैं ट्राउज़र। ट्राउज़र पे मैंने ये कटवर्क कराया है इस तरह से, काइंड ऑफ ट्राइंगल शेप में, और ऊपर कुछ नहीं कराया है। सो इस पे कटवर्क बॉटम पे आ रहा था तो इस पे ट्राउज़र पे लेस भी ऐड नहीं कराई। सिंपल सिंपल से डिज़ाइन जो है वो गर्मियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये इसके साथ दुपट्टा है, बड़ा ही प्यारा सा। सो ये मैंने इसके साथ जो है ना ये हैंग करा लिया साथ, ठीक है, टसल्स टाइप की लेस लेके वो ऐड करा ली। इसके दुपट्टे का स्टफ भी बड़ा प्यारा सा है, नरम सा। सो ये थे जो है दो ड्रेस डिजाइंस ईद स्पेशल। आप ईद पे इस तरह के बनवा सकते हैं, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत ज्यादा जो है वो कम भी नहीं है। ईद पे पहने जा सकते हैं आप, किचन में भी काम कर सकते हैं, गोश्त भी समेट सकते हैं। सो आई होप आपको ये डिज़ाइंस पसंद आए होंगे। अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने कितने स्क्रीनशॉट्स लिए और कितने आपको जो है वो डिज़ाइंस पसंद आए, और अगर आप बनवाएं तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा। फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट and do subscribe my channel and do press the bell icon as well. Allah Hafiz.